और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। अब जैसे तनवीर भाई को ले लो, दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी एक बार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहती हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय, वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। तो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है, यार सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है क्रिकेट का, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राइविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग का बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल शावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके ज़्यादा ठीक रहेगा, बादी चीज़ें ना खाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया को फास्ट में। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा, गौतम गंभीर की कोचिंग को लेकर पहले भी तनवीर अहमद तरह तरह की बातें बोल रहा था, और दोस्तों अभी भी वह बेहुदा बातें कर रहा है। खैर ये तो इसकी पुरानी आदत है, और चलिए हम वीडियो को देखते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों हम पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ही ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, क्यों 8-8 10-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंसेज वाइज नेचुरल टैलेंट क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो लड़ने वाला है गंभीर, ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। तो पता चला कि जी गौतम गंभीर जो है वो मतलब ये जो पर्ची का वर्ड है ना, ये बहुत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, तो इंडियन क्रिकेट में शायद इतना नहीं होता है। तो आज मुझे पता चला जी गौतम गंभीर भी जो है, कोच भी जो अपॉइंट होते हैं ना, वो भी पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। प्लेयर्स का तो सुना था कि वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं, लेकिन कोच भी जो है वो पर्ची पर अपॉइंट होते हैं। उसकी वजह ये है, बकौल हमारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर के कैसे बोलते हैं अपना वीवीएस लक्ष्मण को जो है कोच होना चाहिए था ड्रैविड के बाद, इसलिए क्योंकि वो एनसीए में काम करते रहे वगैरह करके। तो अब जिस फॉर्मर क्रिकेटर की मैं बात कर रहा हूँ वो तनवीर अहमद है। अब उन्होंने कहा कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है और उसको उसका हक नहीं था कोच बनने का। ये हमेशा वो एक मतलब दूसरों से हटके एक डिफरेंट ही बात करेगा। आई थिंक इट्स मोर फॉर द व्यूज, इट्स मोर फॉर द फैक्ट दैट ही नोज के वो जितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात करेगा उतना ज़्यादा वो, आजकल तो आपको पता है सोशल मीडिया का ज़माना है तो यही बिकता है भाई, जितनी आप ज़्यादा मसालेदार बात करें तो वही बिकती है। और आई थिंक गंभीर और टेंगू का पहले भी आमना सामना भी हुआ था किसी चैनल पर, तो उसमें भी बड़ा गर्मी गर्मा गर्मी हुई थी, ओवर कोहली के ऊपर कुछ कह दिया था अपना कैसे बोलते टेंगू ने। बहरहाल जहाँ तक गंभीर का ताल्लुक है, यार सीधी बात है, पर्ची तो खैर मैं किसी सूरत में नहीं कहूँगा उसको, इसलिए क्योंकि उसका अपना एक बैकग्राउंड है क्रिकेट का, बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक है उसका कोचिंग का शायद एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना कि ड्राइविड का था, लेकिन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस उसने जिस तरह से आईपीएल में केकेआर के साथ काम किया है, उसके उस लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ काम किया है, ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। एंड आई थिंक बिकॉज द बीसीसीआई बिलीव्स के लोकल कोच ही होने चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है बीसीसीआई की कि वो लोकल कोचेस पे ही ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल यार ये चीज़ें चलती रहेंगी, तनवीर बोलता रहेगा और भी फॉर्मर प्लेयर्स बोलते रहेंगे, इसलिए क्योंकि अट्रैक्शन मिलता है। लेकिन बहरहाल पर्ची तो नहीं है, और अगर हम अभी जीटीवी में अगर मैं होता तो ज़रूर मैं तनवीर टेंगू को सामने बैठाता और इस पर हम डिबेट करते कि भाई कैसे आप कह रहे हैं कि जी गंभीर जो है वो पर्ची है। लेकिन अब जैसे तनवीर भाई
को ले लो। दोगे तनवीर भाई वैसे तो कई बड़ी सेंसिबल बातें करते हैं, लेकिन कभी कभार फिर वही मसला है ना, गोभी पकी होगी खाली होगी। अब वो ये कहती हैं कि गौतम गंभीर ये पर्ची है। हाय पर्ची क्या होता है? पर्ची बेसिकली यार हमारी क्रिकेट की टर्म में तो उस बंदे को कहते हैं कि जिसके पास ना टैलेंट होता है ना स्किल होता है ना मुंह मत्था होता है क्रिकेट का, उसको काफ भी नहीं पता होता लेकिन वो सिलेक्ट हो जाता है। तो वो ये कहते हैं कि गौतम गंभीर एज ए हेड कोच पर्ची है। उनको ये लगता है कि वीवीएस लक्ष्मण जो है उसकी जगह बनती थी इंडियन क्रिकेट टीम के एज ए हेड कोच की। अब मैं तनवीर भाई को ना सैर कराता हूँ थोड़ी सी पीछे की। यार तनवीर भाई अगर आपको याद हो वीवीएस लक्ष्मण, इसमें कोई शक नहीं है कि वो एनसीए के हेड हैं, जब राहुल द्रविड़ और उनकी जो टीम थी वो जब रेस्ट किया करती थी तो वीवीएस लक्ष्मण ही एज ए इंटरिम हेड कोच बनते थे टीम इंडिया के लिए। वीवीएस लक्ष्मण से दो खबरें हैं, एक तो ये कि वो खुद ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे हेड कोच की पोजीशन लेने के लिए, हेड कोच का रोल लेने के लिए। दूसरा खबर एक ये भी है कि उनका भी इंटरव्यू किया गया था लेकिन उनका इंटरव्यू शायद इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होगा जितना गौतम गंभीर का हुआ, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि गौतम गंभीर को परसू किया गया था। गौतम गंभीर ने ये नौकरी परसू नहीं की, गौतम गंभीर का बिल्कुल सेट चल रहा था। वो इस नौकरी से जितने पैसे मिलने हैं उससे डबल पैसे केकेआर की मेंटोरशिप से कमा रहा था, उसका भाई सेटल चल रहा था। वो आया मेंटोरशिप में केकेआर की, उससे पहले वो लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेंटोरशिप कर रहा था उनकी, वो वहां से छोड़कर केकेआर में आया और आते साथ ही उसने आईपीएल भी जितवा दी, वरना केकेआर वाले तो आईपीएल नहीं जीत पा रहे थे। गौतम गंभीर ही केकेआर का वो कप्तान है जिसके टेन्योर में केकेआर दो मरतबा आईपीएल जीती, उसके बाद कभी नहीं जीती थी। अब वो तीसरी मरतबा मेंटोर के तौर पर आया तो उसने आकर जितवा दिया, ये तो दुनिया जानती है। श्रेयस अय्यर ने कप तो उठाया लेकिन उस कप को उठाने में श्रेयस अय्यर के पीछे और कप के पीछे जो बंदा खड़ा था वो गौतम गंभीर है, ये हर किसी को पता है। गौतम गंभीर ने तो अप्लाई नहीं किया था, ये तो बीसीसीआई वाले ड्यूरिंग आईपीएल गौतम गंभीर के पास पहुंच गए थे कि गुरु आ जाओ एज ए हेड कोच। अब बीसीसीआई वालों ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, क्योंकि देखें उधर ना इतना जिसे कहते हैं पैड़ा काम नहीं होता कि भाई आप आउट ऑफ नो वेयर एक बंदे को हेड कोच लगा दें कि जी ये पर्ची है। अब इस लेवल की जो जॉब है ना उसकी पर्ची पर सीधा सीधा मोदी जी की तरफ से आए तो आए, उससे नीचे के लेवल पर वो खुद अच्छा खासा सेटअप चलाकर बैठे हुए हैं, सिस्टम उनका रनिंग में है, वो इस किस्म की चीज़ें नहीं करते। ये पर्ची इसको खिला लो, मेरा बेटा है, मेरे जिसे कहते हैं मेरा साला है, मेरा बहनोई है, मेरी इज्जत का सवाल है, बहन का घर बच जाएगा, इस किस्म के चक्कर वहाँ नहीं चलते। ये हमारी ही फुद्दू क्रिकेट में चलते हैं, उनके नहीं चलते, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल कर ली हैं। और बाकी तनवीर भाई रात को ना चावल चावल ही खा लिया करें, हल्के से बॉयल करके ज़्यादा ठीक रहेगा, या बाकी चीज़ें ना खाया करें। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो है वो पार्टी से जो है गौतम गंभीर जो है पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे उन्हीं की हुकूमत है आजकल, इसलिए जो है वो वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनना बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है, वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया, वीवीएस लक्ष्मण के साथ ना इंसाफी की है। जो है वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है और वो जो है खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। अब तनवीर अहमद शायद भूल गए कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंसेस क्या थी, वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे करियर में 5 जो टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है, और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता, और आज ये जो है वो $1-2 के लिए फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और जो गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को जो कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार? आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है, आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ होगा।